हेलो दोस्तों, वेलकम टू अशोक कुमार इलेक्ट्रिक में आपका स्वागत है। तो आज हमारे पास एक प्रेस ठीक होने के लिए आया है, जो कि फिलिप्स कंपनी का है। देख सकते हो इसका मॉडल। गाइस, इसमें मेन फॉल्ट है और ये फॉल्ट कैसे हुआ है इसके बारे में बताता हूँ गाइस। तो इसमें मेन दिक्कत ज़्यादा है कि ये जो हमारा प्रेस है इन्वर्टर के लाइट में दे दिए थे, जिससे कि हमारा इन्वर्टर भी धुआं छोड़ दिया। अब प्लस जो है ये बच्चा चला रहा था, अचानक छूटने की वजह से ये हमारा जो है सब कुछ बिखर चुका है। तो आप इसको कैसे सही करोगे इसके बारे में आपको नॉलेज दूंगा। ध्यान रहे कि इस तरह का प्रेस हमेशा बिजली पर ही चलाए और इन्वर्टर पर इसको ना दें, अन्यथा जो है इन्वर्टर फूकने का डर रहता है, ये ध्यान रखे। तो इसको खोलने से पहले हम इस पर हमारा जो एलिमेंट हीटिंग होता है इस पे हम कंटिन्यू चेक करेंगे कि हमारा एलिमेंट सही है या नहीं है। तो चेक करने के लिए हम सीरीज बत्ती का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो हमारा एलिमेंट है ये देख दो, इसका एक पोल ये रहा, अब प्लस इसका एक पोल ये रहा। इसी पोल पे हमारा दोनों सीरीज का जो लाइट आएगा इसी पर देंगे। फिर हमारा लाइट सस्ता है तो समझो कि हमारा एलिमेंट सही है। और ये जो हमारा पोल है इस पर एक तार रखे और इस पर एक तार रखे, अगर बताता है तो समझो कि हमारा एलिमेंट ख़राब है। तो हम इसको चेक करके दिखाते हैं आप कैसे घर पे इसको सही कर सकते हो, आप प्लस चेक कर सकते हो इस तरह के प्रेस को। तो मैं ले लिया सीरीज लाइट, ये हमारा तार आ गया और ये हमारा इसका तार भी आ गया। तो आपने देखा वीडियो में कि किस हिसाब से इसको चेक करते हैं। एक तार मैंने इस पर लगाया, एक तार इस पर लगाया, तो हमारा जो है एलिमेंट सही हो गया। और करंट चेक करने के लिए एक तार इस पर लगाया और एक तार इस पर लगाया, जो कि हमारा बॉडी करंट नहीं है। तो ये जो है हमारा प्रेस लगभग ठीक है। अब ये टूटा हुआ बॉडी को कामयाब करेंगे और देखते हैं इसका कैसे कामयाब करते हैं। तो फाइनल इस प्रेस को खोलने के लिए ये हमारे पास दो नट रहा, ये हम पर नट है और ये नट खोल के यहाँ पर भी लॉक होता है। तो इसको खोल के आपको दिखाता हूँ कि इसमें और भी इसमें क्या दिक्कत है। तो सीरीज बत्ती को हम एक साइड में रखते हैं, फिर उस प्रेस को खोलता हूँ। देख सकते हो कि हमारा दोनों नट खुल गया और इसके ऊपर वाला कवर निकल गया। साथ में हम इसको भी खोल देंगे। तो देख सकते हो कि हमने प्रेस को खोल दिया। अब ये ध्यान रखें कि एक बार ये ख़राब हो जाएगा एलिमेंट तो ये तो है ये कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो एलिमेंट है इसी में बना रखे हैं। देख सकते हो कि हमारा जो है एलिमेंट अब कहीं से उखड़ेगा नहीं, ना इसमें नया डल सकता है। अगर डलेगा तो ये पूरा जो हमारा नीचे का तला होता है यही डलेगा। ये ध्यान रखें इस तरह का प्रेस को। तो देख सकते हो कि कितना बुरी हालात से टूटा हुआ है, जो कि इसका ये सब कुछ जुगाड़ पे इसको कामयाब करूँगा।
और बताऊंगा कि आप इस तरह का प्रेस आपके दुकान पर आता है तो आप इसको कैसे रिपेयरिंग कर सकते हो और प्लस जुगाड़ कर सकते हो, बेचते हो। ये हमारा एक पोल रहा, दूसरी पोल ये रहा, और ये जो हमारा नेगेटिव है, ये हमारा नेगेटिव होता है जो अर्थिंग बॉडी होता है, ये ध्यान रखें। तो गाइस एक तार इस पर चला जाएगा और यहाँ से हमारा बत्ती का तार हो जाएगा। फाइनली इस पर देखते हैं कैसे कनेक्शन करना है, तब ये खोल देंगे। खोलने के बाद थोड़ी इसको सफाई कर देंगे, ये ध्यान रखें, सफाई भी करना जरूरी है, फिर इसको देखते हैं गाइस ये सही होता है नहीं होता है। फिलहाल तो हम सही करके ही मानेंगे। तो ये नट को खोलेंगे, देख सकते हो कि हमने एक नट को खोल दिया। इसी तरह एक एक नट को खोल देंगे, ये वाला खोल लिया, फिर ये नट है, फिर ये नट है, फिर ये हमारा जो है सेफ्टी से बाहर निकलेगा। फिर ये बॉडी पर देखते हैं कि हमारा बैठता है नहीं बैठता है, वो असर देना पड़ेगा कि क्या देना पड़ेगा। तो इसको साफ सफाई कर लेंगे अच्छी तरह से। साफ सफाई करते थे हम, ध्यान रखना है ये जो हमारा पोल है टूटे नहीं, टूट जाएगा तो हो सकता है कि आपका थर्मोस्टेट बदलना पड़ जाए। तो हमने प्रेस साफ सुथरा कर दिया बिल्कुल ओके से। अब इसका मेन फंडा यह है कि हमारा जो थर्मोस्टेट है गाइस ये चेक करना पड़ता है। देख सकते हो कि हमारा इसके नीचे पत्ती होती है, ध्यान से देखोगे तो पत्ती दिखता है, और प्लस ये जो ऊपर नीचे होता है, अगर ये होता है तो ठीक है, और नहीं होता है तो आप इसको एडजस्ट कर ले। देख सकते हो, ध्यान से देखना, ये घुमाने के बाद हमारा ये पत्ती उठ बैठ रही है, तो यानी कि हमारा जो है थर्मोस्टेट सही है, ये ध्यान रखें। तो हम इसको कसेंगे, अरे बिल्कुल ओके हो चुका है, चेक भी कर लिए, हमारा हीटिंग भी सही है और जो हमारा कट है वो भी कट सही हो रहा है। तो जब भी इस तरह का प्रेस आपके पास आता है पहले थर्मोस्टेट चेक करें, हमारा कट सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखें। देखते हो कि हमारा कट का आवाज़ आ रहा है, तो ये हमारा जो है थर्मोस्टेट प्लस प्रेस बिल्कुल ओके है। अब हम इसको कसेंगे, तो इसको कसने के लिए सबसे पहले हम ये देख सकते हो कि हमारा ये पेच है, पेच खुलेगा तब ये नीचे वाला हिस्सा जो है ये हमारा बाहर निकलेगा, फिर ये भी बाहर निकलेगा, तभी जो ताला है इसके ऊपर सही से बैठेगा, तभी ये नट कसा जाएगा। ये साफ़ सुथरा करेंगे, फिर देखते हैं इसके। तो देखते हो कि हमारा जो है ऊपर वाला हिस्सा निकल चुका है, और ये हमारा ये ध्यान रखें कि किस साइड से डाला है, किस साइड साइड नहीं, ये भी ध्यान रखना है, ना कि इस तरह का बदले इस तरह डाल लोगे तो फिटिंग नहीं आएगा। देखते हो कि फाइनली इसमें नक्का है जो कि हमारा थर्मोस्टेट का इसमें नोब आएगा। तो फाइनली ये हमारा इस तरह था, अब इसको कसेंगे, थोड़ी साफ़ सफाई कर लेते हैं, फिर आपके आगे का वीडियो दिखाता हूँ। ये छाटना पड़े तो छाट सकते हो, देख सकते हो, फिर इस हिसाब से इसको फिटिंग करेंगे। देख सकते हो इसमें कितना मिट्टी मिट्टी लगा पड़ा है। तो जो हमारा नीचे वाला ताला है बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो आप इसके कनेक्शन समझ लो, ये देख सकते हो कि ये हमारा अर्थिंग पोल होता है, और ये हमारा एक इसमें मेन आ जाएगा और एक इसमें मेन आ जाएगा, जो कि ये लाइट है गाइस ये इसमें आ जाएगा, ताला कि ये दोनों हमारा मेन तार हो जाएगा, फिर यहीं से होके इसमें आता है और फिर कट मारता है, तो ये हमारा लाइट कट जाता है, क्योंकि हमारा यहीं पे ऑटो कोट का सिस्टम होता है, ये ध्यान रखें। तो फाइनली इसमें और इसमें हमारा मेन बिजली का तार आएगा। तो हम इसको कसने का आइडिया बता रहा हूँ, देखते हो कि हमने ताला को बैठा दिए, अब ये हमारा ये बैठ चुका है सही से। और गाइस पहले कुछ था इसमें सब, ये इसमें थोड़ी सा सुराख थे होके, इसमें नीचे था पैनल, तो पैनल ना दे गाइस, हम इसके जो है ये दिख रहा है सुराख, इसके ऊपर से गाइस हम वाशर को दे देंगे तो ये कस जाएगा। ध्यान रखें, आप ऐसे इसको कामयाब कर सकते हो, अन्यथा आप दूसरे तरीक़ा से गाइस आपको सही लगे जैसे आप कामयाब कर सकते हो, मेरे हिसाब से गाइस हम ऐसे ही कामयाब कर सकता हूँ। अब या तो नट को बड़ा लगा देंगे या हमारा थोड़ी बहुत कसेगा तो ये आ जाएगा, ये ध्यान रखेगा। तो आप इस हिसाब से कस सकते हो, बैठाने से पहले देख सकते हो सारे जो हमारा हड्डी है बाहर आ चुका है, देख सकते हो यहाँ पे गाइस हमारा ग्रिप था, देख सकते हो अब ये ग्रिप जो है गल चुका है। तो गाइस हम इस पर से इसको वाशर दे के नट को इसमें कस देंगे, ये ध्यान रखें। कसते टाइम ये भी ध्यान देना पड़ता है गाइस कैसे आप इसको कस सकते हो सही तरीके से।
तो इसका बैठाने का सबसे अच्छा तरीका देख बता रहा हूँ। ये जो हमारा प्लास्टिक का बॉडी है ये हमारा इसमें ना सटे, ये ध्यान रखे, तभी जो हमारा जब ये पैनल गर्म होगा तो ये धीरे धीरे प्लास्टिक गर्म होकर पिघलने का डर रहेगा। तो ये जो इसका नज़दीकी है थोड़ी सा ऊपर इसको नज़दीक रख के इसमें नट लगाएंगे, ये ध्यान रखे, नहीं तो मैं बता दिया देखो तो ये कितना दूर है, तो इससे भी थोड़ी सा दूर हो उतना ही सही रहेगा आपके लिए, ताकि जो हमारा प्लास्टिक है गलेगा नहीं, क्योंकि हमारा एलिमेंट गर्म होगा तो ये तला गर्म होगा और प्लस ये भी चिपकने का डर रहता है, ये ध्यान रखे। तो हमने इस पर वाशर देने का शुरू कर रखा, अब इस पर वाशर देंगे। वाशर कैसे देना है, ये इस पर हम वाशर को चेप देंगे ताकि जो हम प्लास्टिक बैठाएंगे तो इतना दूरी मिल जाएगा, ताकि हमारा जो प्लास्टिक इसमें सटे नहीं। सेम टू सेम गाइज आप ऐसे ही करें, ये ध्यान रखें वाशर देते टाइम कि देख सकते हो कि हमारा सटने का डर है, ये भी खास तौर पर ध्यान रखेंगे गाइज इसका, नहीं तो जो है हमारा बॉडी में करंट आना स्टार्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखें। तो फाइनली गाइज इस हिसाब से इसको बैठा सकते हो, देख सकते हो कैसे मैं बैठाया, तो इस हिसाब से इसको बैठाओगे अन्यथा जो है हमारा प्लास्टिक ये फिर दोबारा चिपक जाएगा, ज़्यादा हीटिंग पकड़ेगा, तो देख सकते हो पहले ही गला चुका है जो। तो मैंने इस तरह का स्लिप ले लिया, स्लिप इसलिए लिए हैं कि देख सकते हो कि हमारा जब वाशर डालेंगे तो यहाँ पर हमारा नट सट जाएगा तो हमारा बॉडी करंट बताएगा, इसलिए इसको डाल के यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे ताकि हमारा नट इसमें सटे ना। तो हमने यहाँ पर स्लिप वायर पहुँचा और इसको लगा दिए, इसको लगाने के लिए ये पत्ती को सीधा किया, फिर हमारा धीरे धीरे इसे कर दिया तो हमारा स्लिप लग गया, तो अब गाइस हमारा नाक के बराबर डर रह जाएगा ताकि हमारा इसमें सटने का। तो हमने फेवी बोर्ड के चिप दिया ताकि हमारा जब भी कसे हमारा नट जो है इकट्ठा रहे, एक साइड से उस साइड ना हो, तो हमने चिप दिया और इस तरह भी हम चिप देंगे, इस तरह करके चिप देंगे ताकि जब भी बॉडी पे नट कसाएंगे तो हमारा जो है इस साइड से उसे हिलेगा नहीं। तो हमारा जो प्रेस है अब कस के रेडी हो चुका है, देखते हो कि हमने वाशर दे दिया, नीचे भी आपको बता दिया वाशर दिया और प्लस यहाँ पर वाशर दे दिया। तो गाइस आप इस हिसाब से अपने प्रेस को ठीक कर सकते हैं, जब इस तरह के आपके पास प्रेस ठीक होने के लिए आता है तभी कनेक्शन नहीं करेंगे, पहले देख सकते हो कि हमने यहाँ पर बैठाना देख दिया, तो इसको हम बिल्कुल बढ़िया तरह से बैठा लें ताकि हमारा जो पेच नीचे डाल रखे है वो सट तो कहीं नहीं रहा। तो गाइस देख सकते हो कि हमारा जो है फर्स्ट क्लास के फिटिंग आ रहा है, फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर दो नट खींच देंगे तो हमारा बिल्कुल ओके हो जाएगा, आप प्लस यहाँ पर नट खींच देंगे तो ओके हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें, अब ये जो प्रेस है बिल्कुल ओके हो चुका है, अब इस हिसाब से आप इसका फिटिंग कर सकते हो। तो फाइनली अब इसके कनेक्शन करके फिर आपको इस प्रेस का गर्म होने का लाइट का इंडिकेशन दिखाता हूँ कि हमारा प्रेस ओके हुआ कि नहीं फाइनली। तो हमने इसका कनेक्शन जो है कर रखा हूँ, ये हमारा लाइट का आ जाएगा, ये हमारा एक लाइट का आ जाएगा, ये हमारा मेन बन जाएगा और ये एक हमारा मेन बन जाएगा। तो फाइनली इसमें लाइट देकर देखते हैं, ध्यान रहे कि आप घर पर बना रहे हैं तो सीरीज में चेक करें। गाइस अब फाइनली अब इस पर चेक करने का टाइम आ चुका है, तो ये हमारा जो है अब इसको घुमा कर देखेंगे, लाइट चस गया, देख सकते हो कि हमारा जो है अब बिल्कुल ओके चुका है प्रेस। अब फाइनली अब इसका कनेक्शन चेक करेंगे, ये डाल दिया मेन में और ये हमने स्विच बटन दबा दिया, अब देख सकते हो कि हमारा लाइट आ चुका है फाइनली। तो आप इस हिसाब से गाइस टूटा हुआ प्रेस हो गाइस बिल्कुल सही कर सकते हो, ये ध्यान रखें। अब फाइनली मैं इसको कस के रेडी कर दूँगा। तो हमारा जो प्रेस है अब बिल्कुल ओके हो चुका है, ये यहाँ का भी नट लगा दिया, यहाँ का भी नट लगा दिया और इसका भी थर्मोस्टेट का ऑटो कट का भी हमारा ये सिस्टम लग चुका है। तो आप इस तरह का प्रेस आता है तो आप इस तरह रिपेयरिंग कर सकते हो।